रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टू बना रही हूँ मटन के। ये देखिए, मैंने पैन में ऑयल डाला। सबसे पहले मैंने एक चम्मच ज़ीरा डाला। ज़ीरा हल्का सा गर्म हुआ, करकराया, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया। तकरीबन 4-10 प्याज मैंने बारीक काट के डाले हैं। लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसमें ये मटन के गोश्त मैंने डाल दिए। हाफ के जी मैंने गोश्त लिया है ये। इसको अच्छे से भून लूँगी। इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन के पेस्ट डालूँगी। भर भर के 2 चम्मच डालूँगी मैं अदरक लहसुन के। और ये अदरक लहसुन डालने के दे जाऊँगी साथ साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से भून रहा है ये। कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वाइट कलर में हो रहा है भूनते भूनते। प्याज बिल्कुल लाइट सा रखना है, इसके साथ ही प्याज भी भुनेगा। ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है, कुटी हुई मिर्ची डाली है। हरी मिर्च ज़्यादा डलेगी, कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने 1/2 चम्मच। पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने 2 चम्मच। और ये नमक डाल रही हूँ मैं, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो कलर भी पिंक मिल रहा है। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लूँगी। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा डालनी है, उसमें टेस्ट आएगा। अब मैं ये तकरीबन 1/2 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है। अब इस पानी में ये गलेगा। अब ये एक उबाल खदक आ जाएगी, उसके बाद मैं इसको मीडियम लो आंच कर दूँगी। ये देखिए पक रहा, दरमियान दरमियान में आप चलाते जाइएगा तैयार होने पर। अब मैं इसमें साबुत गर्म मसाला डाल दूँगी। और ये दही मैंने रखे हुए थे 1 प्याली, उसको फेंट के इसमें डाल दिया, शामिल कर दिया। अब ये दही डाल के इसको भूनूंगी, अच्छे से भून जाएगा। इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, और काली मिर्च 1 चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं मीडियम लो आंच पर रखूँगी, और ये दम पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही लजीज बनता है ये, बिल्कुल ये आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तंदूर रोटी के साथ खाएं, इसके साथ भी खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं हल्का सा अदरक की गार्निश करूँगी। आप अदरक हरी मिर्च से निकल लें। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब हमें बताइए कैसा बना, ज़रूर बनाइए। ये मैंने नान के साथ खाया था। आप हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे अपने फ्रेंड एंड सर्कल में।